नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। क्या दर्शकों, एक अडानी सब पर भारी है? क्या सच में देश में जो है पक्षपात किया गया है? क्या सच में देश के प्रधानमंत्री ने जो है देश का पैसा अडानी को दे दिया है? क्या देश की जनता का जो खून निचोड़ा गया है उसमें कहीं ना कहीं मोदी का हाथ है? ये तमाम सवाल सिर्फ इस वक्त इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार मोदी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसमें प्रियंका गांधी साफ तौर पर जो है ये कहती हुई नजर आ रही है कि एक अडानी सब पर भारी। क्योंकि मेरे मीडिया के भाई बहन यहाँ है, सरकार ने इन्हें दबाया है, इनकी मजबूरी है, देश की सरकार इनको दबा कर रखती है ताकि किसी को अगर कुछ कहना पड़े, आलोचना करनी पड़े या सच्चाई आपके सरकार के बारे में, तो ये कह नहीं पाते हैं। न्यायपालिका पर सरकार दबाव लगाती है, अपनी मनमानी की कोशिश करती है और जब तो उसे दबाने, उसे मिटाने की कोशिश होती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी कहती है हम चर्चा करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि सरकार क्या गलती कर रही है, लेकिन सरकार उन चर्चाओं को होने नहीं देती। और कभी कभी जब हमारे नेता खड़े होकर तो जो भी संसद के रिकॉर्ड में से मिटाया जाता है। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ समय से यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार पे छापे लग रहे हैं, ईडी के, इनकम टैक्स के, तमाम नेताओं पे, हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। ये क्यों हो रही है? मेरी समझ में ये इसलिए हो रही है, यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ की शान पूरे देश भर में फैला रहे हैं। ये वार इन पर नहीं है, ये इन पर वार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पर वार नहीं है, ये आप सब पर वार है। क्योंकि पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार है, जिस तरह से आप सबको अपने अधिकार मिल रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खरीद हो 2640 रुपए में, चाहे तमाम आपके लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसका पूरे देश में शायद मुकाबला नहीं होगा। आज देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम जाना जाता है, आपकी संस्कृति की बात होती है और वो इस कांग्रेस की सरकार की वजह से है। इसीलिए केंद्र की सरकार दबाना चाहती है, ये किसी न किसी तरह दिखाना चाहते कि ये सरकार आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ क्या क्या काम किए गए हैं। ये सरकार न किसी के पैसों के दबाव के दमन से ये रुकेगी, ये आपके लिए विकास करती जिस तरह पिछले चार सालों के लिए की है। जब क्षमता, सरकार की क्षमता की तारीफ होती है, छत्तीसगढ़ की तारीफ होती है, तो केंद्र में उन्हें पसंद नहीं आता, इसीलिए वो एजेंसियां भेजते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए काम ना हो पाए। आगे चुनाव को देख रहे हैं, जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी रही है, जानते हैं कि कांग्रेस फिर से जीतेगी, इसीलिए अभी से ये सब काम शुरू करने की कोशिश की है। ये हमारे देश में आज सच्चाई क्या है? आज के भारत में मौका किसको मिल रहा है? यहां तमाम नौजवान हैं, अपने अगर रोजगार की कोशिश की हो, या किसान है, केंद्र की जो नीतियां हैं, अगर प्रदेश की नीतियां आपको बचाती नहीं तो केंद्र की नीतियां आपको खत्म कर डालती। छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर प्रदेश सरकार से आपको मदद नहीं मिलती
तो आज की जो केंद्र की नीतियां हैं उनके जरिए चुके हैं। देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और प्रधानमंत्री जी के एक मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइनें, कोयला, सड़कें, पीएसयू, सब प्रधानमंत्री जी के एक मित्र गौतम अडानी जी को दिए गए हैं। पिछले 3 सालों में 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। उन्हीं 3 सालों में गौतम अडानी ने 13 गुना बढ़ गई। किसकी मदद से बढ़ी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की मदद से बढ़ी। 12 करोड़ रोजगार देने वाले साल में बंद हुए, 72% नहीं है, इन्हें कोई मदद नहीं मिली सरकार से। लेकिन गौतम अडानी जी को बैंकों से 80,000 करोड़ रुपयों का लोन मिला है। जब ओपीएस की बात होती है सरकार कहते हैं कि पैसा नहीं है, जब किसानों का कर्ज माफ होने की बात होती है नहीं है, प्रदेश की सरकार करती है जिसमें हिम्मत है जैसे आपकी सरकार है, लेकिन केंद्र के में कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। रोजगार की बात वही, मौका नहीं मिलता आपको। सेना में भर्ती की बात होती है तो अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं, गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब अहंकार की आग में बुलडोजर के चलाने से एक महिला उसकी मर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पूरी सरकार केंद्र की, प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री, एक एक लोकसभा के जो मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, सब मिलकर अडानी जी के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। इस देश में ये परिस्थिति है कि गरीबों की सुनवाई खत्म हो रही है और सिर्फ कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री जी के उद्योगपतियों की सुनवाई हो रही है। जब संसद में राहुल गांधी जी ने सवाल किया, सिर्फ एक चीज उन्होंने कही जो मेरे ख्याल से सही कही। उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भर, ये सच है, एक अडानी सब पर भारी है, उसे आगे बढ़ाने के लिए ने गवा दिया है। उस आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है। आज हमारे देश की यही परिस्थिति है। तो मैं आप सब से आग्रह करती हूं कि आप इस सच्चाई को पहचानें। आप देखें कि जब आपके प्रदेश में, देश में सरकार आती है तो किसके हित में काम कर रही है, क्या आपके हित में काम कर रही है कि किसी और के हित में काम कर रही है, कि अपने गिने चुने मित्रों के हित में काम कर रही है। जो सबका साथ सबका विकास का नारा था, वो अब मित्र का साथ इसका नारा बन चुका है। कुछ ही महीनों में यहां छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं और फिर इसके बाद आम चुनाव आएंगे। चुनाव के समय कई बातें आएंगी आपके सामने। ये प्रयास होगा कि जाति की बात हो,
ये प्रयास होगा कि आपकी बात हो। मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप अपनी बात कहिए। आप भाजपा के नेताओं से ये पूछिए कि आपके लिए क्या किया, कि उनके देश की जो केंद्र में सरकार है, जो इससे पहले उनकी प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। और इसी आधार पर आप अपना वोट डालिए, इसी आधार पर अपना समर्थन दीजिए कि आपके काम करने वाली आपको सरकार मिले। मुझे कोई शक नहीं है कि जो आज प्रदेश में सरकार है वो आपके हित में काम कर रही है। जितनी सारी योजनाएं यहाँ पे लागू हुई हैं, मैंने कहा पहले, शायद किसी और प्रदेश में ना हो। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है। और आप इन सरकारों में देख सकते हैं, इन प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार होने से और भाजपा की सरकार होने से कितना फर्क है। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जो है बड़ा खुलासा कर दिया है। और प्रियंका गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को घेरते हुए एक बड़ी हकीकत सभी के सामने पेश कर दी है। अब ये सच है या नहीं ये आपको तय करना है, क्योंकि विपक्ष का काम तो यही होता है कि सत्ता पक्ष को घेरना, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। क्योंकि 2024 के पहले पहले यहां पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस के हाथ लगे हैं, लेकिन कितना सच है अडानी मोदी भाई के रिश्ते में ये देखना होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। और यहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक जेपीसी की जांच के लिए कोई भी आधिकारिक जो है यहां पर बयान नहीं दिया गया है और ना ही कोई आदेश दिया गया है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।